बहुत सुबह का अभी वीडियो बना रहे हैं। अभी हो रहा है 5:30। देखिए सनराइज हो चुका है। सारा काम कंप्लीट हो गया घर का। अब आ गए हैं ब्रश लेकर के। ब्रश करते हैं और फिर नहाने चलते हैं। सुबह का व्यू सनराइज बहुत ही प्यारा लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स देख सकते हैं। कनेर का फूल। तो जल्दी जल्दी हो गया सारा काम। अब चलते हैं नहा लेते हैं। पूजा रूम की डीप क्लीनिंग करनी है। तो कई दिनों से अमावस्या के कारण, मतलब 4-5 दिनों से पूजा रूम बंद था, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी काम काज स्टार्ट किया, जल्दी उठे हैं ये, ताकि सब कुछ सही टाइम टेबल से हो जाए। नहीं तो नल का पानी जो है ना 8 बजे तक चला जाता है और इतने टाइम तक ही सारा काम करना रहता है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बैठे रहो फिर नल का पानी आएगा, 1-1.5 घंटा बाद फिर सारा काम स्टार्ट होगा, कंटिन्यू होगा। चलते हैं ब्रश करेंगे, कपड़े वगैरह लेकर चलेंगे, तो फिर शैम्पू करके नहाना भी है। तो 4-5 दिनों से पूजा रूम का दरवाज़ा बंद था और अब फाइनली आज खोलेंगे साफ़ सुथरा करके, और पूजा पाठ फिर से कंटिन्यू होगा डेली का जैसे होता है। वातावरण बहुत ही अच्छा रहता है मॉर्निंग का, और डेली जो उठते हैं उनको मालूम होगा, जो नहीं उठते हैं उनको क्या मालूम होगा सुबह कैसा होता है। सुबह कभी देखा ही नहीं होगा, सुबह उठने का ही फायदा रहता है। और मेरा फेस वगैरह देखिए कैसे सूजा हुआ है, किस तरीके से स्वेलिंग हो रखा है। तो पूजा रूम अच्छे से साफ़ सुथरा करके चमका दिया है हमने, और सारा कुछ पूजा की तैयारी हो चुकी है। अब चलते हैं माँ का श्रृंगार करके पूजा करते हैं। दिया जलाते हैं, श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं। तो यहाँ पर पूजा पाठ संपन्न हो गया मेरा। पूजा पाठ संपन्न हो गया, अब चलते हैं प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद उठाकर काफ़ी टाइम लग गया, सुबह को उठे हैं और सारा कुछ तैयार करते और पूजा करते इतना टाइम हो गया। अभी 9 बजने वाला है, यहाँ से प्रसाद उठाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं।
नाश्ता पानी तो हो गया, अभी ये फ्रूट काट लेते हैं निखिल के लिए, मौसम्बी है। और उसके बाद से सब्जी बनेगा आज, भिंडी का भाजा, तो भिंडी काटेंगे। और इधर दाल चावल बन गया है, पायल ने बना दिया है, भिंडी आलू का भाजा बनाएंगे। कई दिनों से फ्रिज में पड़ा हुआ है तो उसका रस जो है सूख गया है, इसमें जूस बहुत कम है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसमें जूस बहुत कम है, सूख गया है, कई दिनों से फ्रिज में रखे हैं। एक ही बार में कितना देंगे खाने के लिए, रोज एक से दो ही देते हैं उसको। देखिए बिल्कुल वाइट है, सूखा सूखा सा है। इस तरीके से वाइट वाइट हो गया है, इसमें लग रहा है बिल्कुल भी जूस नहीं है। और इधर भिंडी रखे हैं, इसका भाजा काट लेते हैं, काट कर दे देंगे तो पायल बना देगी। भिंडी साथ में एक दो आलू भी काटेंगे, सिर्फ भिंडी अच्छा नहीं लगता है। सुबह सुबह ही इतना गर्मी हो जा रहा है ना, ये कोई काम करने में हालत खराब हो रहा है। आज उतना सुबह उठे तो सारा काम हुआ, नहीं तो फिर मुश्किल होता है, नल का पानी चला जाएगा, फिर वेट करो पानी के लिए। एक थोड़ा जूस वाला है, एक सही है और एक बिल्कुल भी सही नहीं है, सूख गया है। तो इतना निखिल को देते हैं, निखिल नाश्ता कर चुका है, थोड़ा सा फ्रूट भी देते हैं उसको। कहाँ है तेरे? तो अभी लंच टाइम हो गया है और अपना खाना लेकर चली आई हूँ। दाल चावल, कल वाला साग है, कलमी साग, और भिंडी आलू का सूखा सब्जी। खाना खाते हैं, खाने का टाइम हो गया है।